हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट है। लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज के रेफरेंस से ज़रूर आपने आखिर तक इस लेक्चर को ज़रूर सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जब एटम्स मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड के अंदर दोनों एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर, वो जो शेयर किया हुआ है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम एक सिंपल एग्जांपल से बात कर लेते हैं। हमारे पास ये मोस्टली जो केस है कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। एक मॉलिक्यूल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, एक क्लोरीन का होता है, ठीक है। अब जब ये शेयर करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत है दोनों की अलग अलग है, मुख्तलिफ है, ठीक है। तो उस सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरीन के ऊपर पार्शल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव आता है, क्योंकि क्लोरीन की ताकत ज़्यादा है और ये ताकत क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड्स पीरियड्स के अंदर जो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सेम है एज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। आई ई आयनाइजेशन एनर्जी एंड ई ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका ट्रेंड सेम है जैसे इनका है, ठीक है। क्या करती है पीरियड्स के अंदर, ये इंक्रीज करती है पीरियड्स के अंदर। वजह क्या है, बिकॉज हायर जी एफिशिएंसी या जी इफेक्ट। जी इफेक्ट मतलब, जी का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस की ताकत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ खींचता ही खींचता है, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है तो उस इलेक्ट्रॉन्स को भी टाइटली अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो ये इसका ट्रेंड अगर हम पीरियड्स के अंदर देखें तो लिथियम जो है हमारे पास, ये सेकंड ग्रुप है, सेकंड पीरियड है सॉरी, तो इसके अंदर लिथियम की 1.0 है और फ्लोरीन की 4.0 है, दैट इज़ मच हायर देन लिथियम, ठीक है। तो ये यहाँ से पीरियड्स के अंदर लेफ्ट राइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ भी एक एमसीक्यूज भी है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट इज 4.1, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है, ये इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है ग्रुप्स, ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिक्रीज करती है, कम होती है। वजह क्या है, साइज ऑफ एटम जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटम से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जाने, जब वो अपने नहीं संभाले पाने दूसरे के क्या खींचेगा अपनी तरफ, उस फोर्स से जितनी अपनी तरफ, जितने इलेक्ट्रॉन, जितनी ताकत से वो अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप्स के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है। साइज के बढ़ने की वजह से क्या होता है, खींचने की ताकत कम हो जाती है। तो अगर हम इसके हैलोजन फैमिली के अंदर देखते हैं तो आपके सामने है कि फ्लोरीन की 4.0 है, फिर क्लोरीन की 3.0 है, ब्रोमीन की 2.8 है और आयोडीन की 2.5 है। टॉप टू बॉटम ही क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वजह क्या है, साइज बढ़ रहा है। मतलब फ्लोरीन का अगर साइज इतना है तो क्लोरीन का उससे बड़ा होगा, ब्रोमीन का उससे बड़ा होगा और आयोडीन का उससे बड़ा। साइज बढ़ता जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम होती जाएगी। ये ट्रेंड्स हैं हमारे पास पीरियड्स एंड ग्रुप्स के अंदर। ये क्वेश्चन हमारा इंडिविजुअली लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि इसमें से डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, और इसमें से एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के अंदर बार बार पूछा गया है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट इज़ 4.0। इसके अलावा बाकी भी याद रखनी है, लेकिन बोर्ड के अंदर ये ज़रूर पूछी गई है। इसके अलावा अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।